हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल लेट्स फॉर सक्सेस। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत टॉपिक तो बहुत ही छोटा है, लगता है कि क्लास 2, 3, 4 का है, बट अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छों को ये टॉपिक नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि कुछ चीजें इसमें होती हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं जिसका हम लोगों का यूज नहीं करते। जैसे डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, इन सबों का हम लोग यूज अपने डेली लाइफ में उतना नहीं करते। जब नहीं करते तो वो स्किप कर जाता है। अगर मैं बोलूं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप सोचने लगोगे कितना होता है, लगोगे सिर खुजलाने, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम इसको चेंज करेंगे? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पता है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बट अगर मैं पूछ दूं 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, काम खत्म, भूल जाएंगे आप, पता नहीं चलेगा। अभी भी लोग कंफ्यूजन में होंगे जो मैं पूछ रहा हूँ कि 100 होगा कि क्या होगा, कि 1000 होगा, कि 10 हो जाएगा, पता ही नहीं है। ठीक, इस चीज को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे अपने आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि लेंथ, कैपेसिटी एंड वेट, लंबाई, क्षमता और भार, तीनों को कैसे हम लोग आपस में बदलते हैं। ठीक है, बदलने का मेथड बस यही है, वैसे ही फार्मूला है हमारा, क्या है देख लीजिए आप लोग। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है हमको उसको नहीं पता कि हम लोगों ने कैसे इसको लर्न किया है। कुछ लोग यहाँ से करते हैं मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, बट मेरा जो टेक्निक है, जो मैंने समझा है, जो हमको इजी लगा है, मैं आपको उस चीज को मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को मैं यहाँ आपको शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ये आपको इजी होगा, कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, बस यही रटना है, बस और कुछ करना है नहीं है। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, बस हो गया, इतना हो गया। अब आइए, अब मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर, डेसीमीटर टू मीन्स डेसी मीटर। अब बता दें, यहां मैंने कहीं पर भी एम नहीं लगाया, मतलब मीटर नहीं मीटर लगाया है, ना ही किलोग्राम लगाया है, ना कहीं लीटर लगाया है। अब मैंने क्यों नहीं लगाया है ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अब यहां से अगर यहाँ पर हम एम लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और ये मीटर पहले से है, इतना ही कॉमन रहेगा। कैसे बदलेगा बताते हैं। ये हो जाएगा क्या, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पर पहले से क्या है, मिली मीटर हमने पहले लगाया है लर्न करने के लिए, क्योंकि दोनों एमएम हो जाता है, क्या हो गया, मिली मीटर हो गया। ठीक, अब अगर हमको कोई चीज हमको याद करना है कि इसमें कैपेसिटी में, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, लीटर, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड को, द्रव को, तो क्या करेंगे, क्षमता, जहां जहां एम है वहां वहां क्या कर देंगे, हम केवल एल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एम की जगह पर ये एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलो लीटर हो जाएगा। मतलब कैसे लिखेंगे, किलो लीटर, जैसे किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, एल की जगह एम की जगह पर एल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, केवल लीटर होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर, हो गया, सेम है, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिली लीटर। कुछ नहीं करना है, जहां मोहम्मद मीटर मीटर आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर लीटर आ जाएगा, आंसर हो गया, याद हो गया, तो बन जाएगा। अब कैसे बनेगा बताएंगे बाद में भी। वही अगर क्या हो जाएगा, भार, मतलब किलोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये कैसे होगा, बस जहां जहां एम है, जहां जहां एल है, उसको हटा दीजिए, वहां पर जी लगा दीजिए, आंसर हो गया, तीनों अंकलन हो जाएगा, तीनों हो गया अलग, क्लियर। तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, जहां एम है वहां पर क्या बदलेगा, एम बदलेगा, एल बदलेगा और जी बदलेगा, जो यहाँ बीच में होगा चौथे नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों तरफ से जो फोर्थ नंबर पे होगा, जो यहाँ होगा
वही सबके साइड में आगे लगता हुआ जाएगा। जी यहाँ पर है, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, जी 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 लग गया। ठीक, अच्छा अब चलते हैं कैसे हम इसको बदलते हैं, अब ये सीख लेते हैं। एक को बदलेंगे किसी भी मीटर को या सेंटीमीटर, सॉरी मीटर को या कैपेसिटी वाले को बदल लें, लीटर वाले को बदल लें या ग्राम वाले को बदल लें, किसी एक को बदलेंगे सब आ जाएगा। कैसे आएगा बताते हैं। अच्छा इसको जी को रहने देते हैं, जी एल एम को रहने देते हैं, कॉमन रहेगा सबके लिए, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। हम क्यों यहाँ पर एम लिखे हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन लिखा था कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसी मीटर। अब एक बार और बता दें, डेसी मीटर और डेका मीटर में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, तो डेका आ रहा है, ए आ रहा है, अब का साउंड आ रहा है, यहाँ पर हम डी के आगे ए लगा देंगे, अगर डी के आगे ए लगा होगा तो वो क्या होगा, डेका हो जाएगा। जब डेसी होगा इसका मतलब केवल डी होगा, ए आगे उसके आगे नहीं लगा होगा। इसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, डी ए लगा है मतलब आ है, तो डे का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डे सी है केवल डी होगा। यहाँ क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसी मीटर, क्या होगा डेसी मीटर। अब बताते हैं कैसे है, बताते हैं ट्रिक। इतना जिसको याद है सात एक फार्मूला है, फिर आपको डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, जिसको याद है पूरा सबको जितने चाहेगा उसमें किसी को भी चेंज कर सकता है चुटकियों में। कैसे, अब देखिए किलोमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखना है कि किलोमीटर जो यहाँ पर है जिससे हमको इसमें बदलना है, हम वहां पहुंच गए, हमने यहाँ पहुंचा, अब इसको किसमें बदलना है हमको, डेसी मीटर में। अब डेसी मीटर इसके यहाँ से कितना दूर है, 1 2 3 4 क्लियर, मतलब 4 मतलब 4 0 1 2 3 4 1 तो यहाँ पहले से है ही है, यहाँ लगा दिया बस आंसर हो गया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर हो गया जनरली। अब इसको प्रूव कर लीजिए, जैसे सबको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,000 मीटर होता है जनरली, 90% लोगों को पता होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,000 मीटर होता है, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, पता सबको है। अब यहाँ देखिए, अब अगर मैं उसको इस मेथड से मैं इसको प्रूव करूँ तो क्या होगा, देखिए किलोमीटर है, बदलना किसमें हमको, मीटर में, मीटर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से कितनी दूर पर है, इस किलोमीटर से मीटर कितनी दूर पर है, 1 2 and 3 थ्री मतलब 3 0 1 यहाँ पर है, 1 इसको यहाँ पर रख दिया, आंसर हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,000 मीटर हो गया आंसर, क्लियर। अब अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर से इधर जा रहे थे हमेशा, अब मैं बोलूं 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। अब देखो, अब हेक्टोमीटर क्या होता है कि हम लोग डेली लाइफ में हम लोग उसका यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, किलोग्राम बस, और अगर लंबाई में देखें जाए लेंथ में तो मीटर और सेंटीमीटर, और लीटर में देखेंगे तो मोस्टली लीटर लेते हैं, और कुछ तो लेते ही नहीं है, किसी को पता नहीं कि डेका लीटर, लीटर क्या होता है, डेसी लीटर क्या होता है, सेंटी लीटर क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों का उसका डेली लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, जब यूज नहीं है तो हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो अब ऐसे उसको लर्न करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीजें अक्सर एग्जाम में परेशान करती हैं, वो उनके लिए, इनके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे, इसको तुरंत लिख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए, मैंने बोला कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है, हेक्टोमीटर को पकड़ लिया, सेंटीमीटर को पकड़ लिया, कितना दूर है, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 0 1 लगा दिया यहाँ पर जो यानी हो गया, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, क्या करेंगे, कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 0 1 पे 6 0 मीन्स 10 लाख, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,00,000 मिलीमीटर आंसर, बस देखा नहीं आंसर हो गया,
कुछ नहीं करना है। अब तक हम लोगों ने जो देखा, जो पूछ रहा था इसमें हमको चेंज करना था, वो उस यूनिट के राइट हैंड साइड में था, ठीक है। जब वो राइट साइड में था तो हम जीरो इंक्रीज कर रहे थे, मींस क्या कर रहे थे, वन में इतने जीरोस का इनटू कर दे रहे थे, मतलब वन इनटू इतना होता जा रहा था, ठीक। अब यहां क्या करेंगे, जब हमको अपोजिट आना हो जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब किसी भी यूनिट को चेंज करना है। सपोज मैंने कह दिया कि आपको मीटर को ही, मीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर या किलोमीटर में, मैं बोल दूं मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, कि वन मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। मैंने कहा कि मीटर को हेक्टोमीटर, सॉरी किलोमीटर में चेंज करना है, कि वन मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। अभी हम लोगों ने क्या कर रहा था, हम लोग कर रहे थे अभी हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में बदला, हमने क्या देखा, वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम खोज रहे थे, जो हम ढूंढ रहे थे बदलने के लिए, वो इस यूनिट के राइट हैंड साइड था। बट अब जो जिसको हमको चेंज करना है, जिसमें वो इस जो जो हमारा जो क्या है मीटर है, मीटर को चेंज करना है जिसमें किलोमीटर में, वो इस मीटर के किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। जब हमारा जो सर्चिंग पॉइंट है, जहां हम ढूंढने उसको जा रहे हैं कहां है वो, अगर वो उस यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड में है तो जो जीरो हम यहां पर पुट कर रहे हैं वो अपान में हो जाएगा, मतलब उसको डिवाइड में कर देंगे। तो यहां से हमने देखा कि कितना स्टेप पर है, वन टू थ्री, थ्री स्टेप पे है, तो तीन के बाद है तो नीचे तीन जीरो मतलब लग जाएगा और एक लगी जाएगा और ये ऊपर वन हो जाएगा, मतलब 1000 से उसको वन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते थे, इधर हम लोग वन का इंटू करते थे, लेकिन यहाँ पर वन जो होता है वो साइलेंट होता है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब ये वन इंटू 1000 होता है। क्यों, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा, कितना मीटर होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, बोलेंगे 2000। क्यों बोलोगे 2000, क्यों, यहाँ पर 2 इंटू 1000 होता है, इसलिए वो 2000 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे, अगर 1 मीटर में पूछ रहा है कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो 1/1000 हो जाएगा, जो यहाँ 1 × 1000 हो रहा था, अभी हो जाएगा 1/1000, और इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, हो जाएगा 0.001 किलोमीटर, ठीक। ये को समझाएंगे पूरा, ये आपका कैपेसिटी भी हो जाएगा, वेट भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं कुछ और ले लेते हैं। अब सपोज हमको सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर में ले लेते हैं, या आते हैं डेका मीटर ले लेते हैं, आप लोग सेंटीमीटर मीटर में बहुत देखे होंगे, आइए सेंटीमीटर को चेंज करते हैं किसमें, डेका मीटर में। सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर है, सेंटीमीटर के बाद जो सेंटीमीटर को जिसमें कन्वर्ट करना है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। जब लेफ्ट साइड में है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने कितना डिजिट हो, कितना यूनिट को क्रॉस करके आया हुआ है, तो 1, 2, 3 थ्री डिजिट को क्रॉस करके आया है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मतलब अपोजिट साइड में जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, मीट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 है डेका मीटर, डेका मीटर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.001 डेका मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं, क्लियर हुआ। अब आइए थोड़ा सा और बता दें आपको कैपेसिटी के बारे में और वेट के बारे में, मतलब एल के बारे में और जी के बारे में, कुछ नहीं करना। अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो बस जहां जहां एम है वहां वहां जी लगा दिया, आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। जहां जहां एम है वहां वहां जी लगा दिया, जी लगा दिया, यहाँ जी कर दिया, एम की जगह पे यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी कर दिया, तो हो जाएगा डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम हो गया। अब क्या करेंगे, बस
सपोज कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, तो वही स्टेप कितना डिजिट पर है, 4 डिजिट पर है, 1 डिजिट पर, तो 4 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, आंसर हो गया। वही अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जो हमारा सर्चिंग पॉइंट है, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो वही वो कहाँ जाएगा, अपान में चला जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात और बता दी इसमें आपको, छोटा सा है बात, तो छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब हमको पता चल गया कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है। मीटर कहां पर है, ये है, ये मीटर था पहले यहां पे। सेंटीमीटर कहां पर, यहां पर सेंटीमीटर, सेंटी है, कितना दूर है, 1 एंड 2, इसका मतलब 20, 20 का मतलब 100। हमको पता भी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, देन क्या होगा। अब ऐसा कंडीशन जब आ जाता है तो हम इस पूरे को स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर और जिसका हम लोग निकाल रहे हैं जितना हमको पता है उसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायरिंग होगा तो जो उसका यील्ड होगा, मतलब जिसमें उसको चेंज कर रहे हैं उसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 10 0, यहाँ सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। क्या, अगर मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, मतलब इतना किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब ये, अब ये क्या होगा, कितना किलोमीटर होगा। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या होगा, कि 0.001 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर तो क्लियर रहेगा, 001 0.001 1 1 जा 1। अब कुछ तो करना है नहीं, लेकिन डेसिमल कितने लगेगा, कितने डिजिट पे, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लीकेंट और मल्टीप्लायर दोनों का सम कर देंगे। ये पता है आप लोगों को, क्लास 3-4 से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी डिजिट्स पर सम लगा कर डेसिमल लगा होता है, जितने अंक पर दोनों को जोड़ करके यहाँ पर गुणनफल में लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो यहाँ पर एक ही है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने इसका भी स्क्वायरिंग किया है। ठीक, इतना स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे कुछ अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।